Hi, I'm Kylie, just another army vet. Welcome to another reaction video. So today is Amazon Prime's Pontchartrain. This is season 2, episode 1. Let's get to it. अरे बाबा बताओ यार, तुम्हारे वजन के पीछे कहाँ पड़े रहते हो? आप ही के भलाई के लिए बोल रहे हैं। अभिषेक सर, टंकी पे क्या करने गए हैं यार? हाथ में थर्मस जैसा कुछ दिख रहा है। थर्मसे है। सचिन जी, ऊपर क्या करने गए थे? अरे कुछ नहीं, बस चाय पीने गया था, आ ही रहा हूँ। क्या नया नया शौक पाल लिए हैं? अरे देख, गिर जाइएगा संभल के। अभिषेक सर आजकल बड़ा खुश खुश रहते हैं। बढ़िया बात तो है। हाँ बढ़िया बात तो है ही। अब एक बात बताओ, तुम ऐसे पिन पे नया टाइप पे कैसे हो गया? तुमको हमारे वजन से खुशी नहीं होती है? सचिन जी की खुशी से खुशी नहीं होती है? हम वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अभिषेक सर आजकल कुछ ज्यादा ही खुश खुश रहते हैं। This is the happiest we have definitely seen him by far. We all know why. टंकी बहुत आना जाना हो रहा है। अरे नहीं, डेढ़ दो महीने पहले टंकी पे चढ़ा था तो रिंगी मिल गई थी चाय पीते हुए। सोचा मैं देखूं। अच्छा। अरे विकास, रहने दे, मिल गई लिस्ट। रहने दे। रिंकी भी साथ में चाय पीने आती है क्या? नहीं नहीं, उससे तो एक बार ही मिलना हुआ। शुरू में तो लगा पागल है, चाय पीने के लिए इतनी मेहनत कौन करता है। पागल तो है वो, अब टंकी के ऊपर मत जाया कीजिए। ऊपर से सिर्फ एक ही बार सुंदर लगता है गांव। हाँ अब तो गर्मी भी बढ़ गई है, जमता नहीं। अच्छा हम कह रहे हैं कि मत जाइएगा टंकी पर, गर्मी का टाइम है, कहीं चक्कर खाए गिर गए फालतू में, कि बस MBA का सपना सपने रह जाएगा। मत जाइएगा सर। अरे रिंकी की शादी की बात भी चल रही थी, वो आगे बढ़ी है। हाँ मलकोपुर वाले से बात चल तो रही है, और क्या ध्यान दिए थे अभिषेक सर रिंकी को, किसे हंसते हंसते पागल बोले। उसी तरह से हम भी कभी कभी खुशबू को पागल बोलते हैं। His wife, I guess. भला चाहिए, अलग तरह का पागल होता है। लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार से पागल बोलते हैं। अच्छा भैया, हमारी बीवी गुजरे 12 साल हो गए तो हम ये सब चीजें पढ़ते ही नहीं। पागल हो गया ये भैया। That's sad. ये अभिषेक सर रिंकी में कुछ चल रहा है क्या? पागल हो गया कभी? हाँ अनबनसन बोल रहा है। नहीं हमको जो लगा हम बताएं, अब आपको भी जो लगा हुआ आप बताइए। यार सचिव जी ऑफिस में रहते हैं, रिंकी घर पे रहती है, ना मिलना ना जुलना ना बातचीत, ऐसे कैसे चलने लगेगा? चल रहा है। देखिए कितना खुश है, पत्थर अलग होगा ऊपर जाने बिना किसी बात के। अभी तो एक साथ ही ले लो ये। आदमी इसी इतना खुश नहीं रहता है, देखिए ना कैसे इठला के चल रहे हैं। So I'm wondering why they're doing this by hand instead of using big construction equipment such as bulldozers or diggers. I imagine it's because they don't have it in their budget, maybe. हाँ परमेश्वर जी, अरे आप ऑफिस ही आ जाइए, वहीं बात कर लेते हैं। हाँ प्रधान जी भी वहीं होंगे। ठीक है, मिट्टी हर बार परमेश्वर जी को ही बिकती है क्या? और उनका ईंट भट्टे का काम भी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं मिट्टी उन्हीं को बेचें। That is some hard work. कायदे से तो पंचायत ऑफिस से मिट्टी का टेंडर निकलना चाहिए। टेंडर व्हाट्स टेंडर? मनी, अ पेमेंट मेबी। ये रिंकी खुदाई दे के क्या करोगी? अरे ऑफिस का काम है और हम प्रधान हैं, हमें जाना ही चाहिए। एंड द डायनामिक हैज चेंज्ड। वो मजदूर को दाल चलाएंगे तो उसको देख के क्या सीख लोगी? आप तो कुछ बताते नहीं हैं, तो मजदूर से ही सीखेंगे ना। अरे भाई प्रधान हो, प्रधान के लायक कोई काम होगा तो हम बता देंगे। 2 महीने से यही कह रहे हैं, और देखिए हमें गुस्सा आया ना तो DM मैडम को फोन कर देंगे, फिर जेल में बैठ के मुंह पे क्रीम लगाते रहिएगा। हाँ पंडित जी, अरे तो पैसा भेजोगे तभी तो ईंटा देंगे। हाँ तो भिजवा रहे हैं। सचिव जी, ये परमेश्वर कितना भी मोल भाव करें, मिट्टी बहुत बढ़िया है, 300 रुपया प्रति ट्रैक्टर से कम में नहीं मानेंगे, चाहे जान चला जाए। हम लोग तो नहीं मानेंगे, डर आप है का है। पिछला बार भी 300 बोल के 250 में मान गए थे। गरीबी आदमी के साथ धंधा करना ही नहीं चाहिए, प्रधान जी कह के काम निकलवा ही लेगा। अरे सचिव जी इलेक्शन आ रहे हैं, गरीबी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? और क्या पॉलिटिक्स, मैडम से नेगोशिएट करवाते हैं, परमेश्वर जी उनसे ज्यादा मोल भाव कर ही नहीं पाएंगे। अरे परमेश्वर जी सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा था, आप ऑफिस मत आइए, सीधा प्रधान जी के घर पहुंचिए। अबे प्रधान जी वहीं होंगे ना?
हाँ हाँ प्रधान जी रहेंगे, मैं रहूंगा, वहीं वहीं मिलते हैं फिर, ठीक है जी जी। कहाँ देख रहा है मेरी शक्ल ससुर, काम कर। देखो चाहे जो भी हो जाए 300 से नीचे नहीं आना है। पर वो तो आपसे बात करने आ रहे हैं, हम कैसे बात कर लेंगे? अरे भाई सवेरे सवेरे हमसे काम मांग रही थी और जब दे रहे हैं तो कह रहे हो कैसे करेंगे? ठीक है करेंगे। तो सुनो हम लोग जानबूझकर आने में विलम्ब करेंगे। अच्छा है? तब तक तुम पैसों की बात खत्म कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। और 300 से नीचे नहीं आना चाहे कुछ हो जाए। ठीक है कर लेंगे, रखते हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। प्रधान जी नहीं है? अभी फोन किए थे, पहुंच ही रहे होंगे। आप आइए आइए। नहीं नहीं बाद में आ जाएंगे हम। नहीं आइए चाय वाय पीजिए, आइए ना। Wasn't his daughter the one that got married? Maybe. Chai lijin. Hot tea on a hot summer afternoon does not sound appealing. Maybe some cold, unsweetened iced tea, maybe. That would be good. अरे पैदल ही चल लेंगे। बस पहुंच ही रहे होंगे। कोई जरूरी काम था क्या? क्या काम था? मिट्टी खरीद रहे हैं ना हम पंचायत से अपना ईंट भट्टा के लिए। वैसे आजकल मिट्टी का भाव तो 400 रुपया टेलर चल रहा है ना। जी 400 रुपया कौन खरीदता है मिट्टी 400 रुपया? इतना नहीं है। तो कितना है? आपसे कहा बात करना भाभी जी। नहीं हमें से बात कर लीजिए, वैसे प्रधान तो हम ही है ना। एक उनको फोन करके देख लेते हैं, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है या थोड़ा ना। ऊंचा बोलिए, थोड़ा ऊंचा। ससुरा नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक बाद में कर। 350 में भाभी जी कौन मिट्टी का टेलर खरीदता है बताइए? तो 250 रुपया में कौन खरीदता है परमेश्वर भाई। आपके पड़ोसी हैं भाभी जी, थोड़ा सा ख्याल कीजिए ना। अच्छा 255, अब इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, अब इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। चलिए ना आपका ना हमारा। 300 रुपए से 1 रुपया भी अगर फालतू हो तो हम अपना भट्टा बंद कर देंगे, कह दे रहे हैं। तो ठीक है 300 में फाइनल करते हैं। क्या हुआ परमेश्वर भाई? सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं प्रधान जी। अरे हुआ क्या? कहा खेला चल रहा है सब जानते हैं हम। अरे कहा हुआ, हुआ का हुआ का? रो रहे थे क्या? रिंकी की मम्मी ऐसे कहा बोल दी? I thought it was sweat. I didn't think it was tears, or maybe it was. तुम भी ना। अरे प्यार से बात नहीं कर सकती थी? नहीं तो क्या गोदी में बैठ के बात करते? मम्मी, मम्मी सारा दिन मम्मी मम्मी करती रहती है। क्या करें हम? वो हमारा चार्जर नहीं मिल रहा था। तो हम क्या करें? चार्जर नहीं मिल रहा, चार्जर चार्जर दिन रात चार्जर चार्जर फोन में घुसे रहना, और कोई काम धंधा तो है नहीं, मोबाइल मोबाइल जैसे और कुछ रह ही नहीं गया जिंदगी में। चलो आप जाके परमेश्वर जी से बात करिए और 280 में फाइनल कर दीजिए बस। परमेश्वर जी नहीं दिखाई दे रहे? बड़ी गुस्सा में आए थे। झूठ मत बोलिएगा, आप भी देखे थे, दोनों एक दूसरे से कैसे मुस्कुरा के मिले थे। अच्छा हो सकता है दोनों में अभी कुछ नहीं चल रहा हो, लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर कुछ चलने लगे बड़ा भारी कांड हो जाएगा। रिंकी का शादी का बात चल रहा है, आपको क्या लगता है प्रधान जी सब चीज़ों कैसे लेंगे? प्रधान जी सब चीज़ में तो मार हो जाएगा और धर्म संकट में पड़ जाएंगे हम दोनों। सचिव जी बोलो समझाते हैं कि रिंकी दूरी बना रखे। आप समझाइएगा।
हम समझाएंगे, मित्र है हमारे, मैच्योर आदमी समझ जाएंगे। ये परमेश्वर जी गुस्सा होकर बीबीपुर चले गए नाच देखने, साले दामाद और ससुर दोनों पागल। बीबीपुर वाला नाच सही जगह हो सकता है रिंकी वाला बात करने के लिए। सचिव जी चलिए ना, परमेश्वर को मना भी लेंगे, प्रोग्राम भी देख लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अभिषेक सर इस वक्त अपना गांव देहात का कल्चर है, एक बार अनुभव ले लेते हैं। और वैसे भी आप काम और पढ़ाई के अलावा कुछ करते नहीं हैं, जरा बाहर निकलिए भाई, जिंदगी का मजा लूटिए। तब क्या, नहीं तो एक दिन अचानक फटिएगा, कहिएगा कितना बेकार जिंदगी है फुलेरा में। चलो ठीक है। जय बाद पहला चादर बिना चखने के घुट मार के मूड में आ गया। आप अपने हल्का सा। अरे भाई वहाँ मूड बनाने नहीं जा रहे, ऑफिस के काम से जा रहे हैं। चलो। I see some cloths draped on the men's shoulders. What are those exactly? जो हरी वाली लड़की है, वो लौंडा नहीं लग रही। साला मैनेजर तुम सबको चूतिया बनाया। ये कहाँ हुआ प्रोफेसर भाई? वो मिट्टी की रेट के लिए बात करने आए थे पार्टी से। चलो ठीक है, जो भी है। प्रधान जी बोल रहे हैं कि 280 में कर सकते हैं। अब हो गया परमेश्वर जी, और 280 तो आपने खुद ने बोला है मैडम के सामने। थोड़पोड़ कौन किया है? गांव वाले कराए, दो नचनिया के नाम पे पैसा लिया ये मैनेजर ने, और एक नचनिया लेकर आया और एक लड़का को लड़की बना के नचा रहा था ससुरा। जनता भड़क गई, हंगामा हो गया। तो इसमें आपका क्या लेने देना, आपके खड़े हैं। असल में हम ही बता दिए थे ना कि वो लड़की नहीं लड़का है। बेकार आदमी है आप। अब उसी भगदड़ में उस बेचारी लड़की को देखो, कौन उसके हाथ में चोट लग गई। ठीक है एनीवेज 280 में फाइनल करते हैं, हम लोग भी निकलते हैं। चल चल चल। उस लड़की को फकोली बाजार लेके जाना है डिस्पेंसरी डॉक्टर के पास, छोटा सा काम था। देखिए हमारे साथ किसी अनजान लड़की को और वो भी इतनी रात में देख के कोई भी देखेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। ये वाला दिक्कत हमारे साथ भी हो जाएगा, ये सब आलतू फालतू काम में हम नहीं पड़ते। अरे हमारे साथ तो और भी दिक्कत होगा भाई, हम विधवा हैं, ठीक है, अचान प्रतिनिधि भी हैं यार। आपके साथ कोई देखेगा तो आपका क्या बेइज्जती होगा, आप तो यहाँ के भी नहीं है ना। Probably just a sprain. टूटा फूटा नहीं है, बस हल्का सा चोट आया है। In a small village like that, would they have access to a 24-hour urgent care or an emergency room in case there was an emergency? ये सब नाचना वाचना छोड़ क्यों नहीं दिया? आप क्या करते हैं? मैं पास में एक गांव है फुलेरा, उधर पंचायत सचिव हूँ। आपको पसंद है आपका काम? नहीं पसंद है, इसलिए एमबीए की तैयारी भी कर रहा हूँ साथ में। मतलब आप भी एक तरह से नाच ही रहे, हर कोई कहीं ना कहीं नाच ही रहा है सचिव जी। Very insightful and smart woman. क्या सर? क्या बतिया रहे थे इतना देर से? 195 रुपए में दवाई के। हेलो, पुण्य कमाओ, भले आदमी हो। अरे जिस तरह आप दोनों बात कर रहे थे हमको लग रहा कुछ तो चल रहा है। अरे लड़की से दो लाइन बात कर ली इसका मतलब ये थोड़ी कुछ चल ही रहा है, और गर्लफ्रेंड बनानी भी होगी तो यहाँ क्यों बनाऊंगा, साल भर में तो निकलना है यहाँ से। अलाचा अगर सर का ऐसा प्लान है तो हमको नहीं लगता कि उनसे बात करने का कोई जरूरत है। वो का आदमी नहीं तो अब तुम अपना मुंह मत खोलना रिंकी और सचिव जी के लिए। गोबर फरा का तुम्हारा भेजे में हाँ बताओ, संत आदमी के ऊपर शक्करवादी है। So this was a great start to the second season. Just like I predicted, we are seeing more of Rinky and we are seeing the dynamic between Pradham Sir and his wife change. And it's so heartwarming to see just how happy the secretary is. But if someone wants to clarify something, please. But why would it be awkward for a widower to actually be seen with another woman? Because once you've been widowed, doesn't that mean that you're able to marry and to date again? Or is that against an Indian or Hindu cultural norm? Once the next episode is filmed, I'll put it right here. Thanks for watching.